बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। आई एम अहमद अरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा जो नाइन्थ क्लास के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो आज हमारा नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उस पर हमने अभी दो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। पहला लेक्चर था हमारा फिजिकल तीनों स्टेट्स सॉलिड लिक्विड गैस के कंपेरिजन पे, और दूसरा लेक्चर था हमारा, उस पर दो शॉर्ट क्वेश्चन थे डिफ्यूजन इफ्यूजन उनके ऊपर। ये हमने गैसियस स्टेट स्टार्ट की हुई है, और गैसियस की हमने दो प्रॉपर्टीज डिफ्यूजन और इफ्यूजन पढ़ ली थी। अब हम गैस की तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेशर। क्या नाम है जिसका? प्रेशर। ये देखिए बच्चों, प्रेशर जो है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी, यहाँ पर भी हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर पहले प्रेशर समझ लें, और फिर यहाँ पर ये गैसेस के हवाले से क्यों लिखा है प्रेशर, फिर वो हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये ना मेरे पास ना एक ना कोई सरफेस है, मेरे पास कोई एक दीवार है, कोई वॉल है, ये मेरे पास एक सरफेस है। अब सरफेस है तो फिर उसका एरिया भी होगा बच्चों। बच्चों एरिया कहते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई। किसी भी चीज़ की लेंथ, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, जो इनका प्रोडक्ट होता है उसको हम एरिया कहते हैं। अब ये मेरे पास एक सतह है, ये उसका एरिया। अब अगर इस एरिया पे कोई भी कोई फोर्स लगाता है इसके ऊपर, यानी इस एरिया पे कोई फोर्स लगती है, कोई इसके ऊपर दबाव लगाता है, फोर्स लगाता है, तो सरफेस एरिया के ऊपर, किसी सतह के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर जो फोर्स लगती है, जो दबाव लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम प्रेशर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम प्रेशर कहते हैं। जरा डेफिनेशन देखें पहले इसकी। जरा फोर्स एग्जर्टेड, जो फोर्स लगती है, फोर्स एग्जर्ट होती है पर यूनिट सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया पर, किसी भी सतह के ऊपर, किसी भी एरिया के ऊपर, इज कॉल्ड प्रेशर। उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, उसको हम दबाव कहते हैं। दोबारा सुने डेफिनेशन, फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स का लगना पर यूनिट सरफेस एरिया। बच्चों यूनिट हम, जरूरी नहीं यूनिट हो, यूनिट कहते हैं एक को, वन को, वन सेंटीमीटर स्क्वायर, वन मीटर स्क्वायर, ये वन मिलीमीटर स्क्वायर, तो वन को कहते हैं यूनिटी। वन इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि वो सिंपल रहे, समझना आसान हो। बाकी यूनिट होना, वन होना जरूरी नहीं है। तो फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, ये एरिया है मेरे पास, इसका एरिया, ये जो सतह है इसका जो एरिया है वो है वन मीटर स्क्वायर। लंबाई भी मीटर में होती है, चौड़ाई भी मीटर में होती है। ज़रब करेंगे, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ये तो फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया पे जो फोर्स लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम प्रेशर कहते हैं उसको। बच्चों अब हमने इसको देखना है कि गैसेज में प्रेशर कहाँ से आता है। देखें जरा ध्यान से बच्चों, ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर की दीवार है, ठीक है। अब जो ये सिलेंडर की दीवार है, ये मेरे पास सरफेस एरिया है। जारी पता दीवार है, उसका कोई ना कोई एरिया तो होगा। ये उसका एरिया है कंटेनर की वॉल का। अब आपको बताया कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, बेतरतीब हरकत करते हैं। जब वो बेतरतीब हरकत करते हैं तो वो आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं। उनकी आपस में भी कोलिजन होती है, और कंटेनर की जो दीवारें हैं, जो उनकी वॉल्स, उससे भी टकराते हैं वो। बच्चों जब गैस के मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की दीवार पर टक्कर मारते हैं ना, कंटेनर की दीवार पर जब भी टकराते हैं, अब देखें जब ये जाके इसको हिट करेंगे, टकराएंगे कंटेनर की वॉल से, तो बच्चों ये उस पर लगाएंगे फोर्स। क्या लगाएंगे? फोर्स। जब गैस के मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की दीवार से टक्कर मारेंगे तो उस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे ये। अब क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं और एरिया के ऊपर लगा रहे हैं, सतह के ऊपर लगा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये प्रेशर लगाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जब जाके कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, उसको हिट करते हैं, तो उस पर वो फोर्स लगाते हैं। तो जब भी कोई एरिया पे फोर्स लगती है तो वो क्या होता है? वो प्रेशर होता है। तो अब यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है? गैस के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मूव करते हैं, आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर की दीवार से भी टकराते हैं। जब ये जाके कंटेनर की दीवार को हिट करते हैं ना, तो ये उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम प्रेशर कहते हैं उसको। ये अब बच्चों इसका फॉर्मूला देख लें जरा। देखिए बच्चों, फोर्स एग्जर्टेड, तो ये फोर्स आ गया। किसके ऊपर फोर्स लग रही है? एरिया के ऊपर लग रही है, किसी सतह के ऊपर लग रही है, तो ये नीचे एरिया आ गया। तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन से हमने इसको बनाया है। अब बच्चों इसका यूनिट देख लें जरा। देखिए बच्चों, यूनिट्स ना दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एसआई यूनिट्स, एसआई कहते हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल, जो हमारे एक यूनियन है सिस्टम इंटरनेशनल वालों की, उन्होंने जो यूनिट्स बनाए वो एसआई यूनिट्स होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स। अगर उनके अलावा कोई यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे किसी क्वांटिटी के लिए, वो होते हैं नॉन एसआई यूनिट्स।
अब जो प्रेशर के ऐसे यूनिट्स हैं, देखें जरा बच्चों, फोर्स का ऐसे यूनिट है न्यूटन। आपको पता है फोर्स को न्यूटन ने सबसे पहले डिफाइन किया था, तो फोर्स का ऐसे यूनिट क्या है? न्यूटन। और एरिया, अभी मैंने बताया कि एरिया होता है लंबाई जरा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो लंबाई भी फासला है वो भी मीटर में, चौड़ाई भी फासला है वो भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर ये एरिया का ऐसे यूनिट होता है। तो इसलिए एरिया की जगह पे मैंने लगा दिया मीटर स्क्वायर उसका यूनिट ये। अब क्योंकि हम लोग डेफिनेशन यूनिट से कर रहे हैं, यूनिट सरफेस एरिया से कर रहे हैं, तो वो कहता है कि बिल फर्ज करें जो आपका ये जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और जो ये गैस के मालिक्यूल जाके इसको हिट कर रहे हैं, इस पर टकरा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो 1 न्यूटन लगा रहे हैं। तो 1 को 1 से डिवाइड किया, आंसर 1 आ गया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों ये जो है ना ये, तो आंसर आ गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर का ऐसा यूनिट है, ये प्रेशर का क्या है? ऐसा यूनिट है। अब बच्चों ये जो सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें, ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला, ये सारी बातें ना पास्कल ने की थी। किसने की थी? पास्कल ने। अब साइंटिस्ट को आदत होती है कि जाहिर बात है कि उन्होंने सारी एफर्ट्स की हैं, सारी वर्किंग की है, तो इस पूरे वर्किंग में, इस पूरे काम में उसका नाम तो आया नहीं। अब वो कहते हैं कि हमारा नाम भी तो आए, हमारा नाम भी जिंदा रहे, बुक्स के अंदर हमारा नाम रहे। अब उसके लिए वो क्या करता है, पास्कल ये कहता है, कहता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। यानी इसका मतलब ये कि वो कहता है कि जहां पर आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस्तेमाल करना है ना, वहां पे आप मेरा नाम इस्तेमाल कर लें। वहां पे क्या इस्तेमाल कर लें? वहां पे मेरा नाम या इस्तेमाल कर लें, ताकि उसका नाम यादगार के तौर पे, एज अ मेमोरी के तौर पे यादगार रहे कि जी ये काम सारा पास्कल ने किया था। तो वो कहता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, कि जहां पर आपने ये इस्तेमाल करना है वहां पे आप पास्कल यूज कर लेंगे, या जहां पे आप पास्कल यूज करें वहां पे आप ये इस्तेमाल कर लेंगे। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है, और ये आपसे एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन प्रेशर, गिव इट्स यूनिट, गिव इट्स फॉर्मूला। तो आपने इसकी तारीफ, इसका फॉर्मूला और इसके जो है ना वो ऐसे यूनिट्स याद रखने हैं इसके। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है, तो आपने अच्छे से याद करना है इसको ये। अब बच्चों नेक्स्ट जो है ना एमसीक्यूज हमारा, ये याद रखना आपने। देखिए बच्चों, अब जो हमारी हवा है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, तो हवा में आपको पता है कि हवा मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसके अंदर कार्बन डाई गैस है, पानी के बुखारात हैं, आर्गोन गैस है, तो सारी गैसेस हैं। अब जाहिर बात है ये गैसेस भी रैंडम मूव कर रही हैं, ये भी हमारी दीवारों पे, हमारे ऊपर सब पे प्रेशर लगा रही हैं। तो अगर आपने ये मालूम करना हो कि हवा का कितना प्रेशर है, हवा का जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस टाइम मैं सांस ले रहा हूँ जो हवा में, इस हवा का भी तो प्रेशर है ना बच्चों, इसमें भी गैस के मालिक्यूल हैं, वो भी जाहिर बात है कि इस तरह ये हीट कर रहे हैं, वो भी हीट कर रहे हैं, आपके इस बोर्ड से हर चीज़ से टकरा रहे हैं वो। तो जो हवा का प्रेशर है उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर। बच्चों अगर आपने कहीं पर भी हवा का प्रेशर मालूम करना हो, लाहौर में, मरी में, ठीक है, नारायण कागान में, किसी पहाड़ के ऊपर, माउंट एवरेस्ट पे, K2 पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मैयर करते हैं बैरोमीटर से। किससे मैयर करते हैं? बैरोमीटर से। बच्चों बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा बैरोमीटर से कैसे मैयर करते हैं प्रेशर ये। तो अगर आपने हवा का प्रेशर, हवा का दबाव कहीं भी मालूम करना होता है तो वो हम मैयर करते हैं बैरोमीटर से ये। किससे मैयर करते हैं? बैरोमीटर से ये। और दूसरा एमसीक्यू बच्चों आपने याद रखना है, अगर आपने फर्स्ट किया आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें गैस है, वो आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने लैब के अंदर गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो उसको हम लोग मैयर करते हैं मैनोमीटर से। किससे मैयर करते हैं बच्चों? मैनोमीटर से। दोबारा देख लें, मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं लेबोरेटरी प्रेशर। लैब में अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कोई गैस है या कोई बुखारात है आपके पास, अगर आपने लैब के अंदर कोई प्रेशर मालूम करना है किसी भी किस्म गैस का या वेपर्स का, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैनोमीटर ये। और अगर आपने हवा का प्रेशर मालूम करना है किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर, पहाड़ पर, किसी भी समुंदर के आसपास, तो उसको, उसका प्रेशर मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर यूज करते हैं हम लोग ये। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है, मैनोमीटर किस काम आता है और बैरोमीटर किस काम आता है उसमें। अच्छा अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड वाले हमसे कई दफा पूछ चुके हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो टॉपिक का हमारा नाम है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि जो हमारी हमारी जमीन है, हमारी जो अर्थ है, अब हमारी अर्थ के आसपास सारा क्या है? हवा है। अब हमारी अर्थ में के आसपास जहां तक बच्चों हवा होती है, उस इलाके को, उस जगह को, उस रीजन को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है क्योंकि जमीन के इर्द गिर्द जहां पर हवा है, तो हवा का जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा देखिए बच्चों, जब कभी भी ये लफ्ज स्टैंडर्ड का लफ्ज आए ना, स्टैंडर्ड का लफ्ज,
तो आपने ही समझ जाना है कि कुछ 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 खास कंडीशंस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लफ्जी मतलब है हवा का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लफ्जी मतलब क्या? हवा का प्रेशर। वो आप कहीं पर भी मालूम कर सकते हैं, लाहौर में, मरी में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं भी मालूम कर सकते हैं आप लोग। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का प्रेशर, ये जो लफ्ज स्टैंडर्ड लगाया हमने, अब हम कुछ स्टैंडर्ड मतलब कुछ कंडीशंस लगाएंगे, कुछ खास हालात पे हम जब प्रेशर मालूम करेंगे हवा का, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये अब वो कौन से हालात हैं, वो क्या है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों इस बात को। बच्चों, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको। ये तो आए जरा वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गौर से देखें, समझिएगा जरा बच्चों बात गौर से। देखिए बच्चों, अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में बात करने जा रहे हैं, तो पहली बात स्टैंडर्ड कंडीशन ये है कि मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, मैं जो हवा का प्रेशर मालूम करने जा रहा हूँ, ये प्रेशर मैं मालूम कर रहा हूँ सी लेवल के ऊपर। कहाँ पे मालूम कर रहा हूँ बच्चों? सी लेवल। देखिए बच्चों, सी लेवल का मतलब ये है कि हर वो इलाका जो समुंदर की सीध में आता है। अब जिस तरह पाकिस्तान में कराची में समुंदर है हमारा, अब कराची से कराची की सीध में जो इलाके आते हैं, जिस तरह कराची है सी लेवल पे है, समुंदर पे है, समुंदर की सीध में आता है, वो सताए समुंदर पे आता है। कराची से आगे थोड़ा हैदराबाद है, वो भी समुंदर की सीध में आता है। सखर है, मुल्तान है, लाहौर है, ये सारे इलाके बच्चों सी लेवल पे आते हैं सारे। हम हरगिज़ उस इलाके की बात नहीं कर रहे जो पहाड़ी इलाके हैं। मसलन देखें, अब नारान कागान है, मरी है, ये थोड़े ऊंचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं। मैं उन इलाकों की बात नहीं कर रहा, वो सी लेवल पे नहीं कहलाते, ठीक है। सी लेवल का मतलब है कि ये जो हमारा समुंदर का लेवल है, ये जो हमारा इस लेवल पे जो इलाके जो शहर आते हैं वो सारा सी लेवल कहलाता है। जो इससे ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, वो सी लेवल पे नहीं कहलाते। तो मैं पहली जो आपसे मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ हवा का प्रेशर, मैं समझाने जा रहा हूँ आपको हवा का प्रेशर सी लेवल के ऊपर बच्चों, ठीक है। क्योंकि बच्चों दुनिया में ज्यादातर इलाके, ज्यादातर शहर सी लेवल के ऊपर है, तो हम इसलिए उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, मैं सी लेवल पे मौजूद हूँ, मैं ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे जो समुंदर की सीध में इलाका आता है, जो समुंदर के लेवल पे, सतह समुंदर के लेवल पे इलाका है। अच्छा, अब ये देखें जरा बच्चों, मैं सी लेवल के ऊपर हवा का प्रेशर मालूम करने जा रहा हूँ। बच्चों ये ना मेरे पास ना एक ना एक मेरे पास ये एक टप है, गिलास मेरे पास जो है ना, इंस्ट्रूमेंट है ये बच्चों, इसके अंदर ना मैंने मरकरी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मरकरी। बच्चों मरकरी ना एक मेटल होती है, लेकिन ये वाहिद मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाती है। तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो मरकरी, इसमें सारी मरकरी भरी हुई है इसके अंदर ये। अच्छा, अब ये देखें, ये बच्चों एक कॉलम है। बच्चों किसी भी वर्टिकल चीज़ को ना, आपने पढ़ा भी है कि वर्टिकल चीज़ को बच्चों हम लोग कॉलम्स भी कहते हैं। आपने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा ना, मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर, के वो इस तरह वर्टिकल चीज़ कॉलम कहलाती है। तो ये एक हमारे पास कॉलम है बच्चों, इस कॉलम के अंदर भी ना हमने मरकरी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मरकरी भरी हुई है इसके अंदर भी हमने। अच्छा, अब देखिए करना ये है बच्चों, ये जो हम सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं सी लेवल पे, मैं फिर बता दूँ मैं सी लेवल के ऊपर मौजूद है। और टेम्परेचर बच्चों इस टाइम जो टेम्परेचर हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है वो है 0 डिग्री। कितना है बच्चों? 0 डिग्री। ये टेम्परेचर है, ये मरकरी कॉलम है, इसके अंदर ये कॉलम है, इसके अंदर क्योंकि मरकरी भरी हुई है तो हमने इसको मरकरी कॉलम कह दिया। और बच्चों ये जो कॉलम है ना, इसके ऊपर ना इस तरह निशान भी लगे हुए हैं, इस तरह आपके पास स्केल होता है ना, तो स्केल पे निशान लगे हुए होते हैं, इस तरह इसके अंदर ना निशान लगे हुए हैं सेंटीमीटर के अंदर और मिलीमीटर के अंदर, इस पर ग्रेजुएशन हुई है, इस पर निशान लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ना इस मरकरी कॉलम को ना, आपने थोड़ा सा मैंने इसको जरा जो है ना वो चौड़ाई वाइज थोड़ा मोटा बनाया, लेकिन ये है बच्चों बहुत बारीक सा कॉलम होता है ये। आपने क्या करना है, आपने इस कॉलम को उठाना है, यानी ये समझे कि ये मार्कर जो है ना, ये मार्कर, ये मेरे पास वो कॉलम है। अब मैंने इसको उठाया, यहाँ से ये बंद है बच्चों, ऊपर से ये कॉलम खुला हुआ, यानी इस तरह हमने इसको उल्टा करके इसको भर लिया है इसको हमने। अब आपने इसको उठा के, हाथ पे ग्लव्स वगैरह पहन के आपने इसको उठा के ना, आपने इस कॉलम को यहाँ से उठा के आपने इसके ऊपर रखना है। यानी आपने इसको कॉलम को वहां से उठाया और आपने इस कॉलम को इसके ऊपर इस तरह रख दिया, ये कॉलम को आपने इसके ऊपर इस तरह रख दिया, उसके अंदर भी मरकरी भरी हुई है, आपने इसको मरकरी के उसके ऊपर रख दिया इस तरह, आपने इसको उठा के ना आपने इसको इसके ऊपर रख दिया इस तरह। अच्छा, अब जाहिर बात है कि जब यहां से वो ओपन एंड था, आपने उसको वहां से उठा के इस पर रखा है, तो जाहिर बात है मरकरी इसमें गिर जाएगी, इसके अंदर मरकरी आएगी। अब ये मरकरी जाहिर बात है कि नीचे से खुला हुआ, तो मरकरी सारी नीचे गिर जानी चाहिए। अब ये इतना भरा हुआ था बच्चों, होता ये है जैसे हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं ना, ये इतनी एक हाइट तक ना, एक खास हाइट तक
इसके अंदर मरकरी भरी रहती है, इसके अंदर मरकरी जो है फिल रहती है, हालांकि नीचे से ओपन है। अच्छा, अब वो मरकरी क्यों फिल है? बच्चों देखें, इसके यहां पर ना आसपास सारी हवा है, एयर मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी एयर है। यहां पर भी सारी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात, सब कुछ मौजूद है यहाँ पर, ये जो हवा में गैसेज होती हैं बच्चों ये। अब वो जाहिर बात है गैसेज एयर जाके इसको टकराती है, मरकरी को हीट कर रही है, यानी वो उस साइडों से दबाव लगा रही है उसके ऊपर। अब इस दबाव की वजह से इस कॉलम के अंदर जो मरकरी थी वो इस लेवल तक मेंटेन रहती है, यानी साइडों के दबाव से, जब साइडों से दबाव लग रहा होता है तो वो फिल रहती है उसके अंदर, ये नहीं तो वो सारी गिर जाए नीचे से आके। अब वो साइड से दबाव लगता है तो वो इसके अंदर मरकरी फिल रहती है। अच्छा, जब हम इसको नोटिस करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं यहां से स्केल पे, तो लिखा हुआ आता है कि 760 मिलीमीटर तक ये जो कॉलम है जिसके अंदर मरकरी ये भरी रहती है। ये बच्चों, ये मरकरी क्यों भरी हुई है, इसको किसने भर के रखा हुआ, इसको एयर ने रोका हुआ। देखिए नीचे से वो ओपन है, नीचे से जब एक चीज ओपन है तो वो सारी गिर जाए, क्यों नहीं गिर रही, साइडों से जो हवा लग रही है उस हवा के दबाव ने इसको ऊपर सहारा देकर रखा हुआ। साइडों से जो एयर का प्रेशर है, जो हवा का दबाव है, जो हवा प्रेशर लगा रही है, फोर्स लगा रही है मरकरी के ऊपर, उसकी वजह से ये जो इस कॉलम के अंदर मरकरी को यहां तक सहारा मिला है और मरकरी उसके अंदर फेल है। अगर ये प्रेशर ना हो हवा का, सारा गिर जाए उसके अंदर, सारी मरकरी इसके अंदर गिर जाए, टब के अंदर गिर जाएगी। ये सारा जो कॉलम है, ये सारा सिर्फ यहां तक जो रुका हुआ, ये सिर्फ हवा के प्रेशर ने रोका हुआ इसको। ये अगर ये साइडों पे एयर ना हो, एयर का प्रेशर ना हो, एयर का दबाव ना होता, तो ये जो कॉलम है मरकरी का, ये यहां तक ना रुकता बच्चों। ये अब देखें, अमूमन सी लेवल के ऊपर हवा का इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है, इतनी फोर्स होती है उसकी, कि वो इस कॉलम में मरकरी को इतनी बुलंदी तक, 760 मिलीमीटर, बच्चों 760 मिलीमीटर जो होता है ना, ये 76 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है, ये इसके बराबर भी होता है, क्योंकि बच्चों एक सेंटीमीटर ना 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो एक ही बात है, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर, ये इतनी हाइट तक उसको सहारा देकर रखता है। तो अब देखें, अब मैं आपके सामने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी स्टैंडर्ड जो हवा का प्रेशर है, हवा का दबाव है, या जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, मैं उसकी तारीफ करने जा रहा हूं बच्चों, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आइए देखें जरा, बोर्ड से देखें जरा डेफिनेशन। वो कहता है द प्रेशर ऑफ एन एयर, हवा का वो प्रेशर, ये देखें, ये हवा आपकी प्रेशर लगा रही है, और हवा में आपको पता है कि ये गैसेस, ये हमारी गैसेस, कार्बन डाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पानी के बुखारात, ये वगैरह वगैरह, ये गैसेस लगा रही है बच्चों, ये गैसेस प्रेशर लगा रही है। कहता है द प्रेशर ऑफ एन एयर, हवा का वो प्रेशर डेट कैन सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है, आपके सामने है बच्चों, इस हवा के प्रेशर ने ही इस मरकरी को यहां तक सपोर्ट किया हुआ। अगर ये प्रेशर ना होता, यकीन करेंगे सारी मरकरी इसमें गिर जाती है। कहते हैं द प्रेशर ऑफ एन एयर, हवा का वो प्रेशर डेट कैन सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है, सहारा देके रखता है, किसको सहारा देके रखता है, कॉलम ऑफ मरकरी, मरकरी के कॉलम को, ये कॉलम है और ये इसके अंदर मरकरी भरी हुई है, मरकरी के कॉलम को। अच्छा, कितनी बुलंदी तक सहारा देके रखता है, 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर की हाइट तक सहारा देके रखता है, किस जगह पर, सी लेवल के ऊपर। ये तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हवा का वो प्रेशर है जो सी लेवल के ऊपर, सी लेवल पे रहते हुए, सी लेवल के ऊपर मरकरी के कॉलम को 760 मिलीमीटर की हाइट तक, इतनी बुलंदी तक सपोर्ट करे, वो हवा का प्रेशर, वो एयर का दबाव, वो हवा का प्रेशर, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमने कुछ चीजें स्टैंडर्ड रखी हैं, मतलब सी लेवल स्टैंडर्ड बात, 0 डिग्री टेम्परेचर स्टैंडर्ड बात, कुछ बातें हमने स्टैंडर्ड रखी हैं, इसे स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, और इसीलिए इसको हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं इसको। द प्रेशर ऑफ एन एयर, हवा का वो प्रेशर, हवा का वो दबाव, देखें ये फोर्स लग रही है, ये वो फिलहाल वो एरिया है, वो हवा का वो प्रेशर, हवा का वो दबाव डेट कैन सपोर्ट, जो सहारा दे के रखे, जो सपोर्ट करके रखे, ये हवा के दबाव ने मरकरी को यहां तक सहारा देकर रखा है बच्चों, नहीं तो नहीं गिर जाए सारी मरकरी। डेट कैन सपोर्ट कॉलम ऑफ मरकरी, मरकरी के कॉलम को कितनी हाइट तक सहारा देकर रखा है, 760 मिलीमीटर की हाइट तक सहारा देकर रखे सी लेवल के ऊपर, तो ये हवा का प्रेशर, ये हवा का दबाव कहलाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ही बच्चों है डेफिनेशन, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, डायग्राम आपके सामने है, उससे रिलेटेड सारी बात है इसमें ये। अच्छा, अब देखिए हम जरा इसका फॉर्मूले वाइज बात करते हैं इसकी, क्योंकि ये जो हमने तारीफ पढ़ी है ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ, अब डेफिनेशन के बच्चों मुताबिक चलना हमने। ये
वन एटमोस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर है जो मरकरी को, बच्चों मरकरी का ना सिंबल एच जी होता है, बच्चों मरकरी का सिंबल एच जी होता है, असल में मरकरी का ना पुराना नाम था हाइड्रागेरियम, क्या नाम था हाइड्रागेरियम, हाइड्रागेरियम से इसका सिंबल एच जी है, जिस तरह आप लोग सुनते रहते हैं सोडियम है उसका सिंबल, आजकल हम एन ए लगाते हैं एन ए क्योंकि उसका ओल्ड नेम नेट्रियम था, इस तरह मरकरी का ओल्ड नेम हाइड्रागेरियम था, हाइड्रागेरियम से उसका सिंबल एच जी है बच्चों ये। अच्छा अब देखें तो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो मरकरी के कॉलम को कितनी बुलंदी तक बच्चों 760 मिलीमीटर इतनी बुलंदी तक सहारा दे दे, इतनी बुलंदी तक सपोर्ट कर दे, वो हवा का प्रेशर कहलाता है वन एटमोस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। अच्छा अगर हम मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर यूज करें तो बच्चों क्या बनेगा कि वन एटमोस्फेरिक प्रेशर ये वो हवा का प्रेशर है, ये वो हवा का दबाव है जो मरकरी के कॉलम को, किसके कॉलम को, जो मरकरी के कॉलम को, जो मरकरी के कॉलम को 76 सेंटीमीटर, कितना बच्चों 76 सेंटीमीटर, मिलीमीटर एक मैंने लिखा सामने, एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, जो मरकरी के कॉलम को 76 सेंटीमीटर की हाइट तक सहारा दे दे उसको भी हम कहते हैं वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये एक ही बात है बच्चों, मिलीमीटर में ये है सेंटीमीटर में ये है। अच्छा अब बच्चों देखिए बात ये है कि ये जो मैंने आपको सारी बातें जो समझाई है एक्सप्लेन की है, बोर्ड पे डायग्राम भी बनी हुई है, ये जो डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, ये मरकरी का इस तरह टप है, ये इस तरह हमने कॉलम मरकरी का इसको उल्टा के रखा और मरकरी नहीं गिरी क्योंकि हवा के दबाव ने उसको सहारा दे के रखा। बच्चों ये सारी बातें, ये जो सारा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है इसको हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बैरोमीटर से हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर मालूम करते हैं, तो यही बैरोमीटर है बच्चों। ये आपके सामने बैरोमीटर की डायग्राम है, आपकी बुक में नहीं बनी हुई लेकिन डायग्राम के बगैर बात समझ नहीं आएगी बच्चों, तो ये बैरोमीटर है ये। और बच्चों ये जो सारी बातें आपके सामने मैं बोर्ड पे जो इस टाइम डायग्राम बनी हुई है बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, ये सारी बातें बच्चों, साइंटिस्ट का नाम है टोरिसिली, क्या नाम है टोरिसिली, ये सारी बातें टोरिसिली ने एक्सप्लेन की थी। अब वही वाली बात है कि जो पीछे मैंने आपको बताई कि यार इस पूरी डिस्कशन में टोरिसिली का नाम तो आया नहीं, अब टोरिसिली तो इस तरह नाराज हो जाएगा, वो कहेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, डायग्राम बताई समझाया सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस पूरी चीज़ों के अंदर मेरा नाम तो कहीं आया नहीं। टोरिसिली ने अपना नाम लाने के लिए, अच्छा टोरिसिली का ना बच्चों निकनेम था टोर, क्या नाम था उसका टोर। अब उसने ये कहा, उसने ये कहा टोरिसिली ने, उसने कहा कि वन मिलीमीटर मरकरी, वन मिलीमीटर मरकरी इज इक्वल टू वन टोर, यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि किसी ने अगर मिलीमीटर मरकरी यूज करना है तो वो टोरिसिली कहता है मेरा 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 निकनेम भी यूज कर सकता है वो मेरी जगह उस जगह पे। बच्चों ये सिर्फ अपना नाम लाने के लिए एक यादगार के तौर पर कि भाई उस साइंटिस्ट का नाम भी तो रहे ना जिसने ये इतनी मेहनत की है, ये तो वो कहता है कि वन टोर इज इक्वल टू वन मिलीमीटर मरकरी, ये उस साइंटिस्ट का नाम है, ये उसका नाम है साइंटिस्ट का ये कि वन टोर इज इक्वल टू वन मिलीमीटर मरकरी। तो बच्चों यानी टोर और मिलीमीटर मरकरी एक ही बात है, तो फिर वो कहता है कि भाई अब ये 760 है ना तो आप 760 मिलीमीटर मरकरी जगह पे क्या लगा सकते हैं 760 टोर, क्या लिख सकते हैं बच्चों 760 टोर। ये बच्चों सिर्फ टोरिसिली का निकनेम सिंबल लाने के लिए हमने किया है कि एक मिलीमीटर मरकरी एक टोर के बराबर है, यानी जहां पर मिलीमीटर मरकरी इस्तेमाल करना है वहां टोर यूज कर लें, जहां टोर यूज करना है वहां पे आप ये इस्तेमाल कर लें। अब आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया हुआ, मिलीमीटर मरकरी इस्तेमाल किया हुआ है तो आप उसकी जगह पे यहाँ पे टोर यूज कर लेंगे, तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टोर या 760 मिलीमीटर मरकरी। ये बच्चों स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर या वन एटमोस्फेरिक प्रेशर के यूनिट्स हैं। अब जाहिर बात है कि ये सब चल तो प्रेशर का टॉपिक ही रहा है और प्रेशर का जो SI यूनिट है वो तो पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, अब वो तो यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा। अब ये जो सारे मिलीमीटर मरकरी, ये टोर, सेंटीमीटर मरकरी, ये सारे जो तीनों आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं बच्चों, ये सारे नॉन SI यूनिट्स हैं, ये यानी ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स नहीं बनाए, ये दूसरे अदर यूनिट्स हैं उसके प्रेशर के, उसमें ये ठीक है बच्चों। बच्चों और भी हैं यानी मिलीमीटर मरकरी, सेंटीमीटर मरकरी, टोर, इसके अलावा आप जब FSC में आएंगे फिर वहाँ पे आपको बताएंगे कि मिली बार भी होता है, PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच भी होता है, और भी यूनिट्स होते हैं इसके, ये ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपकी जो बुक में ये तीन लिखे हैं तो हमें ये तीन याद रखने हैं उसमें ये। अच्छा अब क्योंकि हमने जहाँ पे बात किया नॉन SI की तो आखिरी बात बस ये SI की भी सुन लेंगे। देखिए बच्चों SI जो है ना, SI जो प्रेशर का यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो प्रेशर स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो, प्रेशर तो प्रेशर है, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो आपने याद रखना है कि वन एटमोस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर ये पास्कल में 101325 पास्कल के इक्वल होता है, 101
3 to 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 atm के इक्वल होता है। और आपको बताया कि बच्चों ये जो 1 पास्कल होता है ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, यानी जहां पर आपने पास्कल यूज किया वहां पर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 atm इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही बात, जहां पास्कल यूज करना है वहां ये यूज कर लें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जहां ये यूज करना है वहां पास्कल भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ये एक ही बात है बच्चों। ये इस तरह यहां पर जहां मिलीमीटर मर्करी यूज करना है वहां टोर यूज कर लें, जहां टोर यूज करना है वहां मिलीमीटर मर्करी इस्तेमाल कर लेंगे। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन थी, उसके नॉन एसआई यूनिट्स थे, एसआई यूनिट्स थे, ये कैसे डेफिनेशन बनाई मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। और आपने बच्चों इसको, ये बच्चों एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं, यानी इसका पास हिस्ट्री जो बोर्ड पैटर्न में वो एमसीक्यूज के लिहाज से बच्चों ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये सारे कभी ना कभी किसी किसी ईयर्स में एमसीक्यूज के तौर पर आए हैं। बाकी ये जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं, तो आपने डेफिनेशन याद रखनी है ये, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आई होंगी, तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको सारी बातें समझ आई हैं, लेक्चर समझ आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बच्चों अभी हमने जो है ना वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक पढ़ा, तो उसमें उसके साथ ना कुछ ये न्यूमेरिकल्स रिलेटेड है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में 4 दिए हुए, तो उसके साथ ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इनको ज़रा साथ ही सॉल्व कर लें उसमें ये, ठीक है। अच्छा अब ये देखें ज़रा बच्चों, अभी जो हमने कुछ पढ़ा है, अभी हमने जो यूनिट्स पढ़े हैं उसमें एक हमने ये पढ़ा है कि 1 atmospheric प्रेशर ना ये वो प्रेशर होता है जब हमारी एयर जो है, हवा जो है, वो मरकरी के कॉलम को 760 मिलीमीटर की हाइट तक सपोर्ट कर दे। कितना सपोर्ट करे? 760 मिलीमीटर की हाइट तक सपोर्ट करे, तो वो हवा का प्रेशर 1 atmospheric प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। एक बात फिर मैंने आपको कहा था कि यार ये जो मिलीमीटर मरकरी होता है ये टोर एक ही बात होती है, तो मैंने आपको साइड पे बताया था कि यार के 1 टोर साइंटिस्ट का नाम है ना, उसने अपना नाम लाने के लिए किया था ना बस, ये इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मरकरी। तो 1 atm इज इक्वल टू 760 टोर भी होता है बच्चों, ये भी 1 atmospheric उसके इक्वल होता है, टोर में 760 के इक्वल होता है। फिर आपको मैंने बताया था कि 1 atm जो होता है वो 76 सेंटीमीटर मरकरी के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है? 76 सेंटीमीटर मरकरी के इक्वल होता है। ये तीनों थे उसके नॉन एसआई यूनिट्स प्रेशर के, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जो एसआई वाला था बच्चों, एसआई में ये था कि जो 1 atmospheric प्रेशर है वो इक्वल है 101325 पास्कल भी आप लगा सकते हैं और आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, यानी आप यहाँ पे पास्कल भी लगा सकते हैं और आप इसकी जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने लेक्चर में पढ़ी हैं, तो ये अगर बच्चों आपको चारों आती हो ना, तो फिर ये जो 4 न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे से, ये आपको समझाना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये। तो अगर इनको अगर आप मेहनत करके याद कर लेंगे, एमसीक्यूज में भी आपके काम आने हैं बच्चों, और ये आपको न्यूमेरिकल में भी सपोर्ट करेंगे उसमें ये। अब ये हमारा स्टैंडर्ड्स हैं कि 1 atmospheric प्रेशर, 1 atm प्रेशर मिलीमीटर मरकरी में 760 के इक्वल होता है, 1 atmospheric प्रेशर टोर में 760 के इक्वल होता है, 1 atmospheric प्रेशर सेंटीमीटर मरकरी में 76 के इक्वल होता है, और 1 atmospheric प्रेशर पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 101325 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है। ये 4 बातें आपने याद रखनी है इसमें ये, ठीक है। तो आए जरा देखें बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल ये एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज में पेज नंबर 94 है, तो 94 में हेडिंग आप 94 पेज खोलेंगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा न्यूमेरिकल्स। उसमें पहला न्यूमेरिकल ये कन्वर्ट द यूनिट्स। अब बच्चों इस तरह है कि ये न्यूमेरिकल इस तरह है कि अगर बिलफर्स मुझे प्रेशर दिया जाए ATM में, तो मैं इसको इसमें किस में कन्वर्ट, किस तरह कन्वर्ट करूंगा, या अगर मुझे प्रेशर दे दिया जाए मिलीमीटर मरकरी में, मैं ATM में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो ये उससे यूनिट्स कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स हैं कि अगर ATM में दिया जाए तो उसको जो है पास्कल में किस तरह करना है, पास्कल में दिया जाए उसको ATM में किस तरह करना है, ये वाले जो है ना हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए पहला न्यूमेरिकल देखें। अब हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो कहता है 850 मिलीमीटर मरकरी वैल्यू है प्रेशर की, बताएं ये ATM में कितने के इक्वल होगी, मतलब हमने इसको ATM में बताना है ये। अच्छा बच्चों देखें इन न्यूमेरिकल्स में ना सबसे पहला रूल ये कि ये जो दो यूनिट्स जिसको बता रहा है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, आपने इन दो यूनिट्स को का सबसे पहले स्टैंडर्ड लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? इसका स्टैंडर्ड लिखना है। स्टैंडर्ड मतलब क्या?
इन दो यूनिट्स को आप इधर देखेंगे, पहले इन दो यूनिट्स को मिलीमीटर मर्करी और एटीएम का आपस में क्या ताल्लुक है, आप उसको इस तरफ यहां पे देखेंगे पहले, जो उनका रिलेशन होगा वो वैल्यूज उठा के आप पहले सबसे पहले यहां लिखेंगे उसको, मस्ताना अब ये देखें जरा। अब उसने कहा मिलीमीटर मर्करी को एटीएम में करना है, तो आइंदर ये स्टैंडर्ड आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ, आइंदर ये कौन सा वाला है, ये बच्चों पहला वाला ही है, पहले वाले के अंदर ये मिलीमीटर मर्करी और एटीएम का रिलेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ कि जी मिलीमीटर मर्करी और एटीएम 180 760 मिलीमीटर मर्करी के इक्वल है ये। अब आप इसको उतार लें, अब आपने इसको यहां पे उतारना है, ठीक है, ये बात आपको बच्चों खुद ही आती होगी। अच्छा, अब ये आप जब इसको यहां उतारेंगे तो कोशिश करने इस तरह उतारना है कि मिलीमीटर मर्करी के नीचे मिलीमीटर मर्करी और एटीएम के नीचे एटीएम, यानी 760 मिलीमीटर मर्करी, 760 मिलीमीटर मर्करी इज इक्वल टू 180 एम, अब एटीएम नीचे एटीएम 180 एम। सबसे पहला काम ये होगा इन न्यूमेरिकल्स में कि आप सबसे पहले जिस यूनिट को जिसमें कन्वर्ट करना है उनका स्टैंडर्ड लिखेंगे, लिख लिया 760 मिलीमीटर मर्करी इज इक्वल टू 180 एम, स्टेप नंबर वन बच्चों, स्टेप नंबर वन है स्टैंडर्ड लिखना, आपने स्टैंडर्ड लिख लिया, यानी मैं आप इसको रूल बना लें कि स्टेप नंबर वन है कि स्टैंडर्ड लिखना, ये लिख लिया आपने, ठीक है बच्चों। बच्चों उसके बाद ना, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हमने यूनिटी रूल लगाना है बच्चों। यूनिटी रूल क्या मतलब, देखिए मिसाल के तौर पर ये जो चार मार्कर है ना, ये चार मार्कर जो है ना मैंने 100 रुपये के खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं, 100 रुपये के खरीदे हैं। मसलन ये मेरे पास मैंने चार मार्कर हैं, कितने के खरीदे मैंने, 100 रुपये के खरीदे मैंने चार मार्कर। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों मैंने एक मार्कर कितने का खरीदा, तो आप कहेंगे सर आप इस तरह करें ना, आप यहाँ पर एक ही कीमत निकालनी है आपने, आप 100 को 4 से डिवाइड कर दें, आंसर आया 25, आपने सर एक मार्कर 25 रुपये का खरीदा आपने, ये निकल आया। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने यूनिटी रूल लगाया, यूनिटी कहते हैं वन की वैल्यू निकालना, किसके निकालना, वन की वैल्यू निकालना। अब आपने यूनिट्स को देख कर स्टैंडर्ड उठाया, उठा के यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है। अब स्टेप नंबर टू बच्चों ये कि आपने यूनिटी रूल लगाना है, यूनिटी रूल का मतलब ये है कि आपने जिस तरह ये लिखा हुआ है कि 760 मिलीमीटर मर्करी इज इक्वल टू 180 एम, 760 एक के इक्वल है, तो एक कितने के इक्वल होगा, देखिए आपने क्या किया था, आप अपनी उस एग्जांपल पे जाएं जरा, चार मार्कर 100 के खरीदे तो एक मार्कर कितने का बनेगा, ये नीचे किया आप डिवाइड किया उसको, तो आपके आंसर आ गया 25। इसी तरह 760 मिलीमीटर मर्करी 180 एम के इक्वल है, तो 1 मिलीमीटर मर्करी कितने के इक्वल होगा, सिंपली डिवाइड कर देंगे हम, 1/760 आ गया। इस तरह अभी आपने किया कि चार मार्कर 100 के हैं तो एक कितने का होगा, तो वो चार तकसीम कर दिया उसको, तो 760 वन के इक्वल है, तो फिर एक कितने के इक्वल होगा, डिवाइड कर दिया उससे मैंने, उसको कर दिया डिवाइड बच्चों। अच्छा बच्चों, अब बच्चों ये जो आपको गिवन वैल्यू है ना, आपने अब 1 मिलीमीटर मर्करी 1/160 एटीएम के इक्वल है, अब ये 850 मिलीमीटर कितने के इक्वल होगा बच्चों, अब आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी अब देखें फर्ज के आपने ये एक मार्कर की कीमत निकाल ली, कोई आपसे पूछे कि यार वो दो मार्कर कितने के आएंगे, तो आप कहेंगे यार मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई कहता है यार आपसे 7 मार्कर कितने के आएंगे, आप इसको 7 से ज़रब कर देंगे। कोई कहता है यार आपके 50 मार्कर कितने के आएंगे, आप इसको 50 से ज़रब कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी है, 1 मिलीमीटर मर्करी एटीएम में 1/160 के इक्वल है, अब कोई अब 850 कितने के इक्वल होगा, तो बच्चों आपने इस तरह लिखना है 850 मिलीमीटर मर्करी इज इक्वल टू 1/760 मल्टीप्लाई बाय 850। इस तरह आपने कीमत निकालनी है तो आपने उसे बदला मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा, 1.1 एटीएम। मैं जब इसको डिवाइड करूंगा 850 मिलीमीटर मर्करी को, तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों, 1.1 एटीएम आएगा ये, ठीक है बच्चों। बच्चों ये तीन स्टेप का न्यूमेरिकल है, ये सारे तीन स्टेप्स का न्यूमेरिकल है। स्टेप नंबर वन क्या है, स्टैंडर्ड लिखना। स्टैंडर्ड क्या लिखना, जिस यूनिट को जिसमें कन्वर्ट करना है वो आपने यहाँ रिलेशन से उठा के लिख लेना, लिख लिया। नंबर दो है यूनिटी रूल लगाना, यूनिटी रूल मतलब वन के लिए रूल लगाना। वन के लिए रूल लगाने का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ आपकी वैल्यू होती है उसको आपने डिवाइड कर देना होता है, डिवाइड कर दिया, दो हो गया। स्टेप नंबर थ्री, अब जो आपकी गिवन वैल्यू है उसका उसके वो कितने के इक्वल होगा उससे मल्टीप्लाई करना, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपका 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे वही आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसे तो आपका आ जाएगा 1.1 एटीएम, तो 850 मिलीमीटर मर्करी एटमॉस्फेरिक में 1.1 एटीएम के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा बच्चों ये वैल्यू है 205000 पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना है। अब वही आप लोगों ने करवाना है बच्चों मुझे। स्टेप नंबर वन,
स्टेप नंबर वन स्टैंडर्ड लगाना है। स्टैंडर्ड क्या, जो आपकी ये वैल्यूज दी हुई है ये देखना आपने। अब देखें यहां पर पास्कल और एटीएम का रिलेशन दिया है, पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो देखें यहां पे, अब यहां पे पास्कल और एटीएम कहां पे है, मेरे ख्याल से ये रहा, ये है पास्कल और एटीएम वाला लास्ट वाला ये है। अब क्या रिलेशन है कि 1 एटीएम 101325 पास्कल के इक्वल है, तो आपको मैंने बताया कि जो यूनिट है उसके नीचे उसका उसकी वैल्यू लिखनी है आपने। यहां से अब यहां पे पास्कल है तो पास्कल का ये 101325 पास्कल, अब ये 1 एटीएम के इक्वल है तो एटीएम इज इक्वल टू 1 एटीएम, स्टैंडर्ड लिख दिया, ओके हो गया। उसके बाद बच्चों यूनिटी रूल लगाना, 1 के लिए रूल लगाना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 पास्कल, ठीक है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि आपने डिवाइड किया था इस तरह, यहां पे डिवाइड करना इज इक्वल टू 1 ओवर 101325, एटीएम के इक्वल आ गया। और थर्ड स्टेप क्या है, जो आपकी गिवन वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह अभी आपने ये जो आप जो आपकी गिवन वैल्यू तो आपने उसको मल्टीप्लाई किया था, उस तरह ही करना है। अब आपकी गिवन वैल्यू है 205000 पास्कल, तो 1 101325 मल्टीप्लाई बाय 205000। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों इससे, तो आपका आंसर आएगा 2.02 एटीएम, है ना आसान बच्चों। तीन स्टेप हैं, स्टैंडर्ड लिखना, यूनिटी रूल लगाना मतलब 1 की वैल्यू फाइंड करना, और थर्ड स्टेप में जो आपकी गिवन वैल्यू उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा आंसर आ गया कि ये 205000 पास्कल एटीएम में 2.02 एटीएम के इक्वल होगा ये, ठीक है बच्चों, दो गे। अच्छा इनसे बिल्कुल रिलेटेड ये है, फिर उसके बाद इसको करते हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा अब नेक्स्ट है एटीएम और पास्कल का बच्चों, यानी 1.25 एटीएम का अपने किस में कन्वर्ट करना है, पास्कल। तो आपको मैंने कहा सबसे पहला काम ये जो स्टैंडर्ड्स आपके पास हैं, स्टैंडर्ड्स वैल्यूज आपके पास है, आपने याद की भी होंगी, एमसीक्यूज में भी आती हैं, शॉर्ट में भी लिखनी है, न्यूमेरिकल में भी यूज है, तो ये लाजमी आपको आती हैं। अब एटीएम और पास्कल का रिलेशन उठाएं कहां पर है, तो मेरे ख्याल से फिर दोबारा आपको यही वाला उठाना पड़ेगा रिलेशन, इसी के अंदर आपके सामने एटीएम भी है और क्या है पास्कल भी है, ये तो यही वाला आपको सिलेक्ट करना है। और आपको मैंने बताया हुआ कि एटीएम के नीचे एटीएम और पास्कल के नीचे पास्कल, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे आप, 1 एटीएम इज इक्वल टू, अब पास्कल में 101325 पास्कल लिख लिया मैंने ये, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड मैंने बिल्कुल आपके सामने लिख दिया ये। अब बच्चों देखें इसमें ये है कि इसमें ऑलरेडी यूनिटी रूल लगा हुआ है आपके सामने, वो पहले 1 के इक्वल है, इधर तो हम लोगों ने उसको 1 के इक्वल बनाया, 1 के इक्वल उसको हमने बनाया, इधर वो पहले 1 के इक्वल है, तो यानी आप ये समझेंगे आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप के ऊपर है। अब बस आपकी जो गिवन वैल्यू आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये 1 एटीएम इतने पास्कल के इक्वल है, तो 1.25 एटीएम कितने के इक्वल होगा, तो 101325 मल्टीप्लाई 1.25 उससे मल्टी, जिस तरह आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपको ये। अब आपका आंसर आएगा बच्चों 1266 1266 56.23 पास्कल, ये आपका आंसर आ गया। ये तो इंतहाई आसान है, तो दो स्टेप में हो गया बच्चों ये, 1.25 एटीएम पास्कल में 1266 56.2623 पास्कल के इक्वल आएगा, ये हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। वो दो तीन तीन स्टेप्स में थे, ये तीन तीन स्टेप्स में थे, और ये जो है हमारा है, ये जो हमारा है, ये हमारा एक स्टेप में था खाली, ठीक है बच्चों। अब लास्ट वाला देख लेना, ये अब लास्ट हमारा बच्चों ये, वो कहते हैं कि 560 टोर सेंटीमीटर मर्करी में कितने के इक्वल होगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले स्टैंडर्ड लिखना है यहाँ से देख के वो, अब आप देखें टोर और सेंटीमीटर मर्करी का यहाँ पे कहीं रिलेशन नहीं मिल रहा आपको, नहीं मिल रहा ना आपके सामने, यहाँ पर कहीं पर भी टोर और सेंटीमीटर मर्करी नहीं है आपस में। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, थोड़ा सा ज़रा आपने इसमें ये कि अगर मैं आपको आपके सामने देखूँ तो ये आप देखें कि बच्चों इसमें ना ये 560 टोर इज इक्वल टू 560 मिलीमीटर मर्करी, आपको मैंने बताया हुआ ना बच्चों के टोर और मिलीमीटर मर्करी एक ही चीज़ होता है, आपके सामने मैंने कहा हुआ है आपके सामने टोर और मिलीमीटर मर्करी एक ही चीज़ होती है, ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 1 टोर 1 मिलीमीटर मर्करी, तो आप जहाँ पे आप टोर लिखते हैं वहाँ पे आप MMHg लिख सकते हैं, लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया कि अब मैंने इसको बताना है, इसको सेंटीमीटर मर्करी में बताना है बच्चों मैंने इसको आपको। अब आपके सामने है कि 1 सेंटीमीटर ना बच्चों 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। वो मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि एक छोटा सा आपने फॉर्मूला याद रखना है SLD, सालन ला दो, क्या लिखना है सालन ला दो। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जब आपने कभी स्मॉल यूनिट से
लार्ज में जाना हो तो डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखें सेंटीमीटर एक हो मिलीमीटर दस हो तो फिर इक्वल होते हैं, तो ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ। अब आपने मिलीमीटर मर्करी से किसमें जाना है, सेंटीमीटर में, यानी आपने किस स्मॉल से किसमें जाना है, लार्ज में, तो क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, जिसके वो इक्वल उससे डिवाइड कर देंगे इसको। ये सालन ला दो, अगर आपने स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जाना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये 10 के इक्वल है तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 560 डिवाइडेड बाई 10 यह आ गया 56 सेंटीमीटर मरकरी। तो 560 टॉर बच्चों, 560 टॉर कितने के इक्वल होगा, वो 56 सेंटीमीटर मरकरी के इक्वल होगा। ये दोबारा देख लें बच्चों, इसमें ये कि आपको मैंने बताया कि यहां से आपने ना सबसे पहले ये लिखनी है बात, यहां पर एक टॉर और एक मिलीमीटर मरकरी बराबर है आपस में, यानी जहां पर आप टॉर लिख सकते हैं वहां मिलीमीटर मरकरी लिख सकते हैं। तो अगर टॉर और एमएमएचजी बराबर है, तो अगर ये 560 टॉर है तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एमएमएचजी लिख दिया, मिलीमीटर मरकरी लिख दिया, ठीक है। अच्छा मुझसे पूछा सेंटीमीटर मरकरी के अंदर उसने, अब उसमें ये कि एक सेंटीमीटर मरकरी 1 सेंटीमीटर में जो 10 मिलीमीटर के इक्वल है, ये बड़ा है ये छोटा है, याद करने के लिए सालन ला दो, स्मॉल से लार्ज में जाना तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये स्मॉल है ये लार्ज है, अब हमने स्मॉल से लार्ज में जाना तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 की को 10 से डिवाइड किया तो 56 सेंटीमीटर मरकरी के इक्वल आ गया ये। तो बच्चों ये चार हमारे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो आप इसको जरा प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आपका फिर इस पे हासिल हो जाएगा, आपको आ जाएंगे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो वो उस टॉपिक के साथ ये रिलेटेड है। अब हमारा प्रेशर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंप्लीट होता है और ये आपने बच्चों याद करना है, उसमें ये इंतहाई आसान है, जरा कॉन्सेप्ट बना लेंगे अपने आपको जरा समझा लेंगे उससे याद करेंगे तो ईजी होगा, रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएगा बच्चों। सबसे पहले स्टैंडर्ड यहाँ से लिखना है, जो दो यूनिट्स के हैं उसके नीचे वो यूनिट्स लिखने हैं, उसके बाद जो है वो आपने यूनिटी रूल लगाना है, वन के इक्वल करना है मतलब उसको डिवाइड कर देना आपने, और थर्ड पे जो आपकी गिवन वैल्यू उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये है, तो बच्चों अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी समझ आया तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकअल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।